विश्व स्तरीय विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव स्थित में बन रहा है और इसकी आज नींव रखी गई है, यानी कि शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास महावीर मंदिर के न्यास सचिव किशोर कुणाल के द्वारा किया गया है। और सबसे पहले हम ये कैथवलिया गांव, जहां पे महावीर मंदिर के तरफ से विराट रामायण मंदिर बननी है, इसकी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि कैमरे की नज़र जहाँ तक जाएगी ये पूरी ज़मीन जो है यहाँ पर विराट रामायण मंदिर बनेगी, 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस विराट रामायण मंदिर के लिए यहाँ के स्थानीय अल्पसंख्यक समाज के द्वारा भी यहाँ पे लगभग बीघा भर जमीन दान में दिया गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों को इस विराट रामायण मंदिर बनने से कितनी खुशी हो रही है और कितनी दान किए हैं जमीन, ये जानते हैं। भूमिका, इसमें हम निःशुल्क 23 कट्ठा ज़मीन दिए हैं और यही भूमिका है हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, मंदिर बने जिससे व्यापार, टूरिज्म ये सब बढ़े, रोज़गार बढ़े, यही सोच के हम लोग दिया था ज़मीन। जैसे कि आपने सर बताया कि 23 कट्ठा ज़मीन दिया और कई लोग होंगे जो कट्ठा आधा कट्ठा भी दिया। हाँ, ऐसे लोग भी होंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये टूरिज्म अब बनना चाहिए विराट रामायण मंदिर। हाँ, बनेगा इंशाल्लाह, जरूर बनेगा, रोज़गार मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा, यहाँ लोग आएंगे बाहर से, गेस्ट हाउस बनेगा, होटल बनेगा। कुछ आपके स्थानीय लोग ही ये कह रहे थे कि विराट रामायण मंदिर की यहाँ नींव रखी जा रही है, तो अब आसपास की जो ज़मीन है उसका रेट हम लोग का काफ़ी बढ़ गया। अब कोई डेवलपमेंट का काम होगा तो ज़मीन का तो दाम ऐसे ही भागता ही है, इसमें तो कोई रोक होगा नहीं। अब जो ज़मीन है मंदिर में, वो तो ज़मीन मंदिर में है, अब बाकी लोग का किस्मत अच्छा रहेगा तो दाम बढ़ेगा, और नेचुरली बढ़ना ही है। विराट रामायण मंदिर में मैं अभी सचिव हूँ, जितना ज़मीन का जो व्यवस्था हुआ मैं ही किया हूँ। मैं अपने मंदिर, जो मेरा एक और मंदिर है, उसे 55 एकड़ ज़मीन इसमें डोनेट किए हैं। 55 एकड़ नर्मदेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, उससे और लोग भी, बहुत लोग इसमें ज़मीन डोनेट किया है और ख़रीद भी हुआ है बहुत कम रेट। आप स्थानीय होने के साथ आप अन्य लोग भी इसमें दान दिए हैं, दान के नतीजा ही विराट रामायण मंदिर बन रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ के स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं टूरिज्म हब भी बनेगा, रोजगार भी मिलेगा। यहाँ अभी हम लोगों का प्लानिंग है कि 120 एकड़ ज़मीन हम लोग दे दिए हैं, और अगर ये भव्य बनाएंगे तो 151 एकड़ की हम लोग तैयारी किए हैं कि ज़मीन उपलब्ध कराएंगे और ये डेवलप, कुणाल साहब डेवलप करें। ग्रामीण अभी और तैयार? हाँ हाँ, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी है, मेरे गांव में तरक्की हो रहा है, रोज़गार बढ़ेगा, हाँ, बच्चों लोग का भविष्य के लिए, हम लोग का भविष्य के लिए अच्छा है। अभी इसी गाँव के? हाँ, इसी गाँव के। ये ज़मीन जो विराट रामायण मंदिर के लिए लिया गया, जी जी, बंजर था। हाँ, यहाँ पे खेती उती नहीं हो रहा था? नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा था, लेकिन लोग दान किया। हाँ, जब बन रहा है तो सबके लिए अच्छा ही होगा। आप लोग भी दान किए? हाँ, हम लोग भी दान किए हैं। आप कितना दान किए? हाँ, मैं 1 कट्ठा दान किया, जितना रहेगा उतना ही करेगा ना, जिसके पास जितना था उतना मदद किया। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग का भविष्य, हम लोग का आने वाले पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा। तो जैसा कि आपने सुना कि विराट रामायण मंदिर के लिए अल्पसंख्यक समाज भी इस मंदिर में ज़मीन जो है दान दिए हैं, कई लोग 1 कट्ठा दिए हैं तो कई लोग 20 कट्ठा तक दिए हैं, और जिसका फलस्वरूप है कि विराट रामायण काफ़ी भव्य बन रहा है। यहाँ पे सबसे जो ऊंचा शिवलिंग होगा यहाँ पे निर्माण कराया जाएगा, और 2025 तक इस शिवलिंग पर लोग जलाभिषेक भी कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय जो विराट रामायण है उसकी आज शिलान्यास की गई है आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा, और निश्चित तौर पे लोगों में उत्साह है। लोगों का कहना है कि अगर जिस तरह से भव्य मंदिर बनाने की परिकल्पना है, जो सोच को लेकर के आज शिलान्यास किया गया है, अगर और भी भव्य बनाने की ज़रूरत पड़ी तो और ज़मीन भी दान देंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। नीरज कुमार, ETV भारत, पूर्वी चंपारण।